देखो एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ इंडक्शन में एग्जाम्पल ये है कि आपके पास सपोज एक बैटरी है, ये एक बटन है ऑन ऑफ करने का, ये बल्ब है और ये कॉइल है। मान लो कि मैंने बैटरी को ऑन कर दिया, ऑन कर दिया, इसमें बहुत देर के बाद करंट कांस्टेंट है, बल्ब ऑन हो गया, हर वायर में करंट ही करंट है। अब मैंने क्या किया, बैटरी को ऑफ कर दिया। अब कायदे से मैंने करंट भेजना बंद कर दिया, बैटरी तो डिस्कनेक्ट हो गई, लेकिन इंडक्टर को जब ये पता लगा कि मेरा करंट ज़ीरो हो गया, इंडक्टर ने सोचा कि मेरा फ्लक्स कम हो रहा है तो मैं इसमें करंट पैदा करूँगा, और जब मैं करंट पैदा करूँगा तो क्यों मेरा फ्लक्स इंक्रीज करने के लिए, वो करंट जाएगा कहाँ, बल्ब में जाएगा। तो बल्ब थोड़ी देर के लिए क्या हो जाएगा, ग्लो जाएगा, जलेगा। क्यों, इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाएगी इंडक्टर के अंदर, वो करंट जो इंड्यूस होगा वो कहाँ जाएगा, वो बल्ब में जाएगा और बल्ब ऑन हो जाएगा। जबकि आपने स्विच ऑफ किया पर फिर भी बल्ब ऑन हो गया, तो ये एग्जाम्पल है कि इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होगी। इस प्रोसेस को सेल्फ इंडक्शन बोलते हैं। क्लियर है यहाँ तक? ये एग्जाम्पल मैंने दिया था अभी आपको कि ऑन ऑफ करते हुए बल्ब ऑन हो जाता है, ऑन करते हुए बल्ब ऑन, जल्दी जल्दी होता नहीं। ठीक,